नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वी एस अनिल ब्लॉक विथ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में ट्रेन नंबर 52541 न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। यह ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इसमें आपको कौन कौन सी सुविधा मिलेगी, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं NJP दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से दार्जिलिंग के बीच चलती है। यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से सुबह 10 बजे खुलती है और आपको शाम को दार्जिलिंग 5:20 पर पहुँचाती है। NJP दार्जिलिंग टॉय ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलती है और इस ट्रेन को न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से दार्जिलिंग तक 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे 20 मिनट का समय लेता है और इस ट्रेन का एवरेज स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। चलिए मैं आपको NJP दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के कोच के बारे में जानकारी देता हूँ। इसमें आपको एक AC चेयर कार का कोच और एक विस्टाडोमा का कोच होता है इस ट्रेन में और बाकी किसी श्रेणी का कोच नहीं होता इस ट्रेन में। और इस ट्रेन का टिकट प्राइस है AC चेयर कार का 880 रुपये और विस्टाडोमा कोच का 1040 रुपये। यह किराया न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से दार्जिलिंग तक का है। अब मैं आपको NJP दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से दार्जिलिंग तक। इसका लोकोमोटिव ND M6 होता है। चलिए मैं आपको NJP दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के कैटरिंग के बारे में जानकारी देता हूँ। इसमें आपको कैटरिंग फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको इस ट्रेन में खुद से फूड का अरेंज करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए मैं आपको न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन कौन से रूट से होकर जाती है, जैसे कि आपको वीडियो के शुरुआत में बता दिया था, यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से खुलती है सुबह 10 बजे। इसका पहला हॉल्ट आता है सिलीगुड़ी जंक्शन, यहाँ पहुँचते सुबह 10:25 पर और 10:30 पर खुलती है ट्रेन, 5 मिनट रुकती है। इसका दूसरा हॉल्ट आता है सुकना, जहाँ पहुँचते सुबह 11 बजे और 11:02 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका तीसरा हॉल्ट आता है रंगटोंग, जहाँ पहुँचते सुबह 11:34 पर और 11:35 पर खुलती है ट्रेन, 1 मिनट रुकती है। इसका चौथा हॉल्ट आता है तीनधारिया, जहाँ पहुँचते दोपहर को 12:40 पर और 12:42 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका पाँचवा हॉल्ट आता है गयाबारी, जहाँ पहुँचते दोपहर को 1:13 पर और 1:14 पर खुलती है ट्रेन, 1 मिनट रुकती है। इसका छठा हॉल्ट आता है महंदी, जहाँ पहुँचते दोपहर को 1:41 पर और 1:42 पर खुलती है ट्रेन, 1 मिनट रुकती है। इसका सातवां हॉल्ट आता है कुरसंग, जहाँ पहुँचते दोपहर को 2:20 पर और 2:30 पर खुलती है ट्रेन, 10 मिनट रुकती है। इसका आठवां हॉल्ट आता है टंग, जहाँ पहुँचते दोपहर को 3 बजे और 3:01 पर खुलती है ट्रेन, 1 मिनट रुकती है। इसका नवा हॉल्ट आता है सोनादा, जहाँ पहुँचते दोपहर को 3:45 पर और 3:46 पर खुलती है ट्रेन, 1 मिनट रुकती है। इसका दसवां हॉल्ट आता है घूम, जहाँ पहुँचते शाम को 4:35 पर और 4:40 पर खुलती है ट्रेन, 5 मिनट रुकती है। इसका लास्ट में 11वां हॉल्ट है दार्जिलिंग, जहाँ पहुँचते शाम को 5:20 पर ट्रेन।